हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज के लिए आपके लिए एक वीडियोस लेके आया हूँ जो पिज़्ज़े की डो बनाने की रेसिपी है। आपको पिज़्ज़े की डो बनाना सिखाएंगे और वो हमारे जो शेफ़ हैं नुमान भाई, वो आपको इसकी सारी स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएंगे कि ब्लेंड कैसे बनती है, डो कैसे फूलती है, कैसी फ्लफ़ी बनती है और पिज़्ज़ा कैसे मेक होता है। तो आपको वो बताएँगे। तो चले भाई की तरफ चलते हैं। शेफ साहब की मान भी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अजी शुक्र है मालिक का। अच्छा नुमान भाई, आज हमारे यहाँ व्यूवर्स को क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज हम सिखाएंगे पिज़्ज़ा का डो कमर्शियल। अच्छा कमर्शियल डो आप बनाना सिखा, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है जो आप बआसानी अपने घर पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम आपको रेसिपी बताएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स होंगे वो आप हमें बताएंगे? इसमें ये हमने बनाया हुआ है ब्लेंड, डो ब्लेंड कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसके अंदर शामिल होती है चीनी, नमक और ईस्ट और ईका पाउडर, ठीक है। तो ये आपको किसी भी बड़े मार्ट से मिल जाएगा बआसानी, ठीक है। तो हमने बनाया है 2.5 kg की रेसिपी, 2.5 kg मैदे की रेसिपी बनाई है हमने। ये हमने 100 ग्राम कम्प्लीट बना लिया है इसको ना। अच्छा, इसका 100 ग्राम वेट है। ठीक शेफ साहब, मतलब ये जो है ये 100 ग्राम है आपकी? जी कंप्लीट 100 ग्राम है। इसमें चीनी भी है, नमक भी है, ईका पाउडर भी है और ईस्ट भी है। तो इसमें मैदा जो हमारा लगेगा वो आप मैदा कितना, मतलब इसमें कितने किलो का मैदा लगेगा? ये 100 ग्राम बनता है 2.5 kg मैदे का और ये हमारे पास मैदा रखा हुआ है, हमने वेट कर लिया इस मैदे का। ठीक, तो 2.5 kg मैदा है तो इसमें 1 किलो 250 ग्राम पानी जाएगा। ठीक उसको आप वेट भी कर सकते हैं और जग आते हैं उसमें, जग में आप ग्रामेज के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं और मशीन से भी। तो फिलहाल अभी मैं मशीन से बना रहा हूँ, हमारे पास मशीन है। घरों में मशीन नहीं होती तो आप उसको हाथ से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो चलें अपना नुमान भाई, आप हमें बनाना सिखाएं हमारे व्यूवर्स को कि ये कैसे डो तैयार होती है मशीन के अंदर। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप ज़रूर बताएँ, आ जाएँ। जी शेफ साहब, अब आप बताएं कैसे बनाएंगे ये हम? ये हमने पानी डाल दिया, इसमें पानी की मिकदार कितनी होगी? पानी होगा 1 लीटर और 250 ml। ठीक हो गया। 100 ग्राम ब्लेंड जो बनाया था हमने, ये वो ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये पानी में आपने 100 ग्राम की जो ब्लेंड थी वो इसमें आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो और अपना नुमान भी इसके अंदर और क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर मैं 1 अंडा डालूंगा। अच्छा, 1 अंडा। अंडा अगर आप ना भी डालें तो भी अच्छा डो बन जाता है, लेकिन मैं अंडा डालता हूँ वो इसलिए क्योंकि अंडे से एक सॉफ्टनेस अच्छी आ जाती है इसमें। अंडा एक डाल दिया मैंने। अच्छा, ये आपने 1 अंडा डाल दिया, ठीक हो गया जी। तकरीबन 100 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा, इसमें ऑयल इस्तेमाल होता है तकरीबन, ठीक है। ठीक है। इसमें आपने घी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि घी का वो रिजल्ट नहीं आता है जो आप चाहते हैं। वायर मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन देखें, इसको भी अच्छे से शेक करना है। देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है। जी बिल्कुल। तो इसमें हम डालेंगे मैदा। देखें व्यूवर्स, अब मैं इसमें डालूंगा मैदा जो आपके सामने मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, जो दिखाया था ये वेट करा हुआ मैंने, तो ये मैंने डाल दिया। अब हम करेंगे अपनी मशीन ऑन, ठीक है। तो तकरीबन ये 10 से 12 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको 10-12 मिनट बाद इसको निकाल के कटिंग की तरफ आएंगे, मैं इसके पेड़े वगैरह बनाऊंगा और पैन में लगाने के तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। तो वेट करें आप। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं लार्ज, ये लार्ज का पेड़ा है 450 ग्राम का। तो मुझे अभी ज़रूरत थी सिर्फ लार्ज और स्मॉल की, क्योंकि मेरे पास मीडियम का डो रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने लार्ज और मीडियम निकाले हैं इसमें से। तो इसमें हम इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे उस तरफ आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे डो रोलर की तरफ। तो ये हमारे वो मशीन है डो रोलर। ये लार्ज का पैन है, इसमें ऑयलिंग कर दी थी मैंने पहले। ये 12 इंच का पैन होता है, इसमें 32 ग्राम ऑयल लगता है ग्रीसिंग के दौरान, 32 ग्राम लगता है। देख सकते हैं आप, हमने डो कंप्लीट तरीके से बना के आपको दिखा दिया है। तो इसके बाद हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का चिकन, जो पिज़्ज़ा की चिकन की टॉपिंग होती है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सिखाएंगे।
लिहाजा इसके बाद तो उसमें नुमान भाई कौन से पिज्ज़े का फ्लेवर कौन सा आप सिखाएंगे हमारे को? टिक्का होगा, टिक्का फ्लेवर आप सिखाएंगे जो नॉर्मली पिज्ज़ा में इस्तेमाल होता है चिकन वो। चले ठीक है, अपना बहुत सारा व्यूवर्स ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद करिएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको गाइड कर सकें और आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना के दिखा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।